मैं जा रहा हूँ ज़रा जॉक शॉक करने, उसके बाद हम उधर एक शेख नाल गल हैं, आदर मार उधर मेरा वेट कर रहा, वो शूट करेंगे उधर और उसके बाद आज के दिन का आगाज होगा। बस वह जुम्मे वैसे सामने जी मैं स्टैंड पे हूँ अभी ऊपर और अमार से उधर की हूँ, मैं लेट हो गया आज और हम लोग इधर शूट करने आए हैं शेख नाल गल। तो वैसे हम वॉक करने आते हैं, आज हम स्पेसिफिकली शूट करने आए हैं, वो भी हमारे साथ वॉकर है, अगर हम भी दो चक्कर लगा लें तो थोड़ा पसीना पसीना आएगा, उसके बाद कैमरा निकालेंगे और शूट कर लेंगे। हाँ भाई, तो हम लोग वॉकर के फायदे को अब हम करने लगे शूट शेखर नगल हैं, वो हमारे हमारा आ रहा होगा, हम शूट करते हैं। तो बात सुन ना, बात शुरू करनी है सबसे पहले कि यार एक एपिसोड नंबर 2 है शादियों में करेंगे, ठीक है, उसके बाद करेंगे कि पानी भी कह देता तो यार। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो वेलकम टू शेखर नाल गल्लां एपिसोड नंबर 2। हाँ भाई, तो शेखर नाल गल्लां एपिसोड 2 शूट हो चुका है, अमार भी मेरे साथ हैं, अभी हम जा रहे हैं वापस। थैंक यू सो मच अमार भाई, रात को मुलाकात करते हैं आपसे, देखिए चल ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। अभी अमार भी पैक करना है, अमार ऐसा अमार भाई लिफ्ट प्लीज प्लीज प्लीज। सो आई एम बैक एट होम। तो आज बहुत ही टायरिंग दिन था, थका हुआ दिन था, बहुत काम था मुझे, तो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि काम ज़्यादा ज़रूरी था। खैर अब वापस आ गया हूँ। मेन बात करने से पहले एक चाय की प्याली होनी लाजमी है, तो चाय की प्याली के लिए हमें जाना पड़ेगा किचन में, क्योंकि इस टाइम कोई चाय बना के देगा तो नहीं। खैर अब आज आप फौजान अहमद के साथ ही चाय पियेंगे, क्या कहते हैं चलें? तो क्या करना चाहिए, हाँ टी टाइम विद फौजान अहमद, वाओ व्हाट इज। हाँ भाई, तो किचन में आ गए, अब हम बनाएंगे चाय। इसके लिए बर्तन, दूध, पत्ती, चीनी और आग, मतलब चूल्हा। स्टार्ट। तो अभी मैंने चाय बना रहा हूँ, पत्ती डालनी है थोड़ी सी बहुत, ज़रा उबल जाए जाए, फिर उसके बाद हम इसमें पत्ती डालेंगे, थोड़ा दूध उबल लेना फिर। हाँ मड़ा बोलो, कितना कप चाहिए, कितना कप चाहिए, फटाफट बोलो कितना कप चाहिए, जल्दी बोलो। बहुत मज़ा आ रहा है देख के भाई। तो चाय, क्या मज़ा आता है यार अपनी अपने हाथ की चाय बनाने का, मज़ा ही अलग है। खैर लेट्स टॉक अबाउट द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, रेजोल्यूशन इन 2020। ज़्यादा रेजोल्यूशन मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं बनाए क्योंकि फिर उनको अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए आई सेट ओनली 4 to 5 रेजोल्यूशन फॉर 2020 ओनली। सबसे पहला तो ये है टू मेक मोर वीडियोस। मैं YouTube पे कोशिश करूँगा कि मेरे ब्लॉग्स जो हैं वो एटलीस्ट महीने में 7-8 तो आएँ, कोशिश करूँगा, 5-6 भी आ सकते हैं लेकिन कोशिश करूँगा कि 7-8 तक रहूँ, क्योंकि छोटा सा गोल है ना। इंशाल्लाह जब 7-8 ही बन जाएंगे तो फ्रीक्वेंटली इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए 7-8 चला लेते हैं। सेकेंड रेजोल्यूशन टू क्रिएट माई ऑडियंस। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 2500 सब्सक्राइबर्स, मेरे चाहने वाले 2500 सब्सक्राइबर्स तक हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अपना काम इतना अच्छा करूँ कि ये जो 2500 लोगों की टीम है ये 100K की टीम बन जाए, इंशाल्लाह।
थर्ड रेजोल्यूशन इज के शादी करनी. हाँ, ये बड़ी ही अच्छी रेजोल्यूशन है. चौथा रेजोल्यूशन ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान बन सकूँ, दूसरों के लिए अच्छा बन सकूँ. ये मेरी चौथी रेजोल्यूशन है, टू मेक माई सेल्फ गुड फॉर अदर्स. पांचवी है कि गाड़ी लेनी है इंशाल्लाह, अपनी जाती इंशाल्लाह. लूँगा वाइट कलर में, लेकिन कौन सी होगी वो मैं अभी बताऊँगा नहीं. मैंने जो सोची है अगर वो आ जाए तो थैंक यू, नहीं आई तो अभी तभी खुश हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश हम उसी की करेंगे. तो ये थी कुछ छोटी सी रेजोल्यूशन, गोल हमेशा छोटे रखने चाहिए ताकि वो आप आराम आराम से अचीव कर सको. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस, गिव दिस वीडियो थम्स अप, सब्सक्राइब माय चैनल और मैं सुकून से अपनी चाय इंजॉय करूँ. अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग. एक शॉट के लिए इतनी मेहनत, उफ क्या कह रहे हो लड़के.